और जैसे कल सिविक्स की वर्कशीट करी थी हम आप लोगों ने, पूरा नोट डाउन किया था, वैसे ही इसका करना है। ओके, तो वर्कशीट वही कर रहा हूँ। आई होप बच्चों आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। ओके, किसी स्पेलिंग पे अगर रेड लाइन होगी तो ये मत सोचना कि स्पेलिंग रॉन्ग है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में वर्ड होते हैं या उर्दू में ऐसे नाम होते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं होते हैं। ओके, अच्छे से नोट डाउन करना अच्छी तरह से। कार्तिक जुरेल नोट कीजिए बेटा। वर्कशीट ध्यान रखना, वर्कशीट है ये। नेक्स्ट वीक आप लोगों का रिवीजन टेस्ट होगा। जेबा, दिव्यांश शर्मा, अनिका जैन, कनक पहलजानी, प्रज्वल सिंह, माधव सिंगल, ओपन योर वीडियो। आस्था पानी के नीचे है क्या? ऐसे ग्रीन ग्रीन लग रहे थे, ऐसे लग रहा समुद्र के नीचे हो आप। सिविक्स के क्वेश्चन आंसर जो चैप्टर पढ़ाया था और वर्कशीट आपके पोर्टल पे कल अपलोड हो गई थी। आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हो, सिविक्स का अपलोड हो गया था आज इवनिंग तक, हिस्ट्री का भी अपलोड हो जाएगा आपका। ये पलक सिंह आप लिख रहे हैं बेटा? पलक सिंह आप घर पे या बाहर हैं? क्योंकि आपने मास्क पहना हो तो मुझे लगा शायद आप बाहर हैं।
अच्छा एक चीज की जानकारी और देनी थी मुझे आप लोगों को, टुमारो विल बी नो क्लासेस, ओके, नो असेसमेंट ऑल्सो। हाँ पावल कह रही है वाह अच्छी बात है। ओके टुमारो विल बी नो क्लासेस एंड नो असेसमेंट ऑल्सो, असेसमेंट विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट सैटरडे। अब वैसे भी आपके उसमें बुक उसमें लिखा है नेक्स्ट सैटरडे, आप सैटरडे की डेट तो नहीं लिखी थी उसपे, टाइम टेबल पे डेट तो था नहीं। आप लोग कैसे लग रहे हो, बड़े बड़े लग रहे हो बिल्कुल, मैं बचपन में देखा छोटे छोटे से, बिल्कुल रोते रोते से बच्चे, आप कैसे लग रहे हैं बड़े बड़े से। ओके टेस्ट बहुत इजी है, बहुत इजी है टेस्ट, इतना डिफिकल्ट टेस्ट नहीं है। हाँ एक आध क्वेश्चन में कह सकता हूँ कि मैंने कुछ डिफिकल्ट डाले हैं, वैसे टेस्ट बहुत इजी है। अगर आपने पूरा चैप्टर 2-3 बार अच्छे से रीड भी किया होगा ना, तब भी आप इसे कर लेंगे। प्रियांशी कुशवाहा आप नोट कर रहे हैं बेटा? ओके okay. दिव्यांश अग्रवाल बेटा आप अपने फोन को बहुत पास रखते हो, कोई आपको देखने में दिक्कत तो नहीं होती ना, क्योंकि आप फोन के इतने पास होते हो तो फिर स्क्रीन से आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है ना। पारुल आप नोट कर रहे हैं बेटा? पारुल आप लिख रहे हैं? ओके कार्तिक जुड़ेल जल्दी कीजिए बेटा। दिव्यांश शर्मा आप लिख रहे हैं बेटा? ओके सुहानी अग्रवाल आप लिख रहे हैं बेटा? आपकी वीडियो पॉज लग रही है मुझे। जेबा एनी प्रॉब्लम यू हैव टू टाइप। ओके पोर्टल में ज्योग्राफी के चैप्टर नहीं आए हैं। ओके लेट मी चेक बेटा, मैं चेक कर लूंगा फिर बताऊंगा आप लोगों को। ओके ज्योग्राफी तो बहुत पहले डाल दिया गया था, समर वेकेशन से पहले। अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो आज शाम तक आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। ओके सोहानी, सोहानी आपकी वीडियो यहाँ पॉज थी इसलिए मैंने आपसे पूछा था। ओके सर अभी हमें कल को 13 को भेजना है आंसर।
मंडे को टेस्ट नहीं है ना, मंडे को टेस्ट नहीं है कंजुवानी साहब, सही टेस्ट नोट डाउन करना है फेयर कॉपी में। हाँ जेबा, ये फेयर कॉपी में करना है, अच्छा वर्कशीट बेटा फेयर कॉपी में करते हैं। जेबा आपको याद नहीं, आप न्यू एडमिशन हो, आस्था पहले इतना कर लीजिए फिर मैं स्वाइप अप करता हूँ। जेबा हमारे स्कूल में क्या होता है कि आप जब स्कूल में होते हैं तो वर्कशीट बच्चों को प्रोवाइड होती है, बच्चे उसको फेयर कॉपी पे पेस्ट करते हैं वर्कशीट को, लेकिन अभी आप लोग घर पे है तो इस वर्कशीट को नोट कीजिए, ओके स्क्रीनशॉट भी लेके रखना, इस वर्कशीट को कॉपी पर नोट करने, क्योंकि वर्कशीट में से बहुत कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है और टेस्ट में भी आता है। मतलब बनाने हैं, ओके क्या पूछा? आप लोग आंसर की वजह से चैटिंग पे पहुंच जाते हो, फटाफट आंसर कीजिए। आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड सबका हो गया होगा। सर ये टेबल भी लिखनी है? हाँ दिव्यांश, ये टेबल भी इस तरह से बनानी है, या अगर टेबल ना बना सको तो एक लाइन करके एक तरफ बुक और एक तरफ राइटर लिख सकते हैं। सर कल मैं नहीं दे पाई आंसर, सेविस की क्लास एंड हो गई थी सर। ओके दिव्या, तो सिविक्स की वर्कशीट मैंने पोर्टल पे अपलोड कर दिया दिव्या, आप पोर्टल पे चेक कर सकते हैं जाकर सिविक्स की वर्कशीट। सर मेरे पास भी नहीं है एसएसटी का कोई भी चैप्टर। हुई एसएसटी का कल सिविक्स का अपलोड किया गया चैप्टर पोर्टल पे, और ज्योग्राफी का भी किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो वो मैं चेक करता हूँ सर। वर्कशीट में तो चीटिंग हो जाएगी, जेबा जो चीटिंग करेगा उसमें नुकसान किसका है? मुझे तो अपने बच्चों पे ट्रस्ट है कि बच्चे ईमानदारी से टेस्ट देंगे, अब जो ट्रस्ट तोड़ देंगे वो उनकी प्रॉब्लम है। हिस्ट्री बेटा आज अपलोड, हिस्ट्री का पोर्टल पे आज अपलोड होगा, आज ही तो वर्कशीट हुआ बेटा, आज वर्कशीट हिस्ट्री का पूरा चैप्टर आज अपलोड हो जाएगा, चैप्टर हो चुका है, क्वेश्चन आंसर के बस खाली उसमें वो देना दे गया है, लॉन्ग आंसर्स की फोटो क्लिक करनी रह गई उस पर, और वर्कशीट अपलोड हो जाएगी। ज्योग्राफी का मैं देखता हूँ कि आप लोगों को शो क्यों नहीं हो रहा है, जो सिविक्स के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज वर्कशीट नहीं कर पाए थे वो पोर्टल पे अपलोडेड है, आप लोग जाएंगे और उस पर देख लेंगे, सो डोंट बी पैनिक। कंप्यूटर का भी अपलोड हो गया था कल, देख लीजिएगा। हाँ आरोही वर्कशीट इसके आगे थोड़ी सी और है। और बच्चों को नोट करने दीजिए बेटा, और आपका हो गया इसका मतलब ये नहीं कि और बच्चों की राइटिंग तेज है, औरों को भी नोट करने दीजिए। आप लोग बच्चों क्या काम करेंगे वर्कशीट में, फेयर कॉपी भी आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ कि करेंगे वर्कशीट पे उसके आप आंसर भी लिखेंगे फेयर कॉपी पे, उसके बाद कैसे इसको पोर्टल पे अपलोड करना होगा ये मैं बाद में बताऊंगा आपको अभी, ठीक है? पहले आप वर्कशीट का आंसर कर लीजिए, उसके बाद में बताऊंगा कि वर्कशीट पोर्टल पे अपलोड कैसे करेंगे आप। कनक ओपन योर वीडियो, अगर फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट टू फाइव किसी का रह गया है तो वो बताएं, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट टू फाइव किसी का रह गया है तो बताओ, वरना फिर मैं आगे स्वाइप अप करूं उसे। कोई ऐसा है जिसका फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट टू फिफ्थ तक रह गया है तो फिर मैं आगे स्वाइप अप करूं, ध्यान रखिएगा मैं स्क्रॉल करता हूं इसे फिर। ओके इतनी ही वर्कशीट है,
सर इफ वी नोट डाउन इन अ पेज देन वी कैन प्रिंट द पेज एंड पेस्ट एंड रिकॉर्ड यस जेबा यू कैन यस जेबा यू कैन सर माय कैमरा इज ऑन देयर इज प्रॉब्लम इन माय इंटरनेट कनेक्शन ओके सोहानी हाँ आरोही आप आरोही बेटा वर्कशीट के आप जब क्वेश्चन आप नोट करते जा रहे हैं क्वेश्चन के साथ साथ आप आंसर भी नोट करते जाइए मैं वर्कशीट जल्दी नहीं हटाने वाला आप सोच रहे कि मैं वर्कशीट हटा लूंगा यहाँ से डोंट भी पैनिक परेशान मत होइए आप लोग वर्कशीट के साथ साथ आप लोग आंसर भी लिखते जाइएगा फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा राइट एनी थ्री डायनेस्टी दैट रूल द अर्ली मिडिवियल पीरियड अर्ली मिडिवियल पीरियड पूछा है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्वेश्चन नंबर थ्री राइट एनी टू एग्जाम्पल आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस अगर किसी के नेटवर्क इश्यू है नेटवर्क प्रॉब्लम है स्क्रीन प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें जिससे वो बाद में भी इसको कर सकेंगे ओके अगर किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो गॉड ब्लेस यू दीपांशी दिव्या सिविस की वर्कशीट आप पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा ओके दिव्यांश शर्मा वे आर यू बेटा दिव्यांश शर्मा मुझे सिर्फ आपका फैन दिखाई दे रहा है घर का और कुछ नहीं ओके प्रथम प्रीत आप दोनों एक ही रूम में हो क्या प्रथम प्रीत आप दोनों एक ही रूम में हो ग्रंथ हैव यू डन ग्रंथ हैव यू डन बेटा नो पारुल आप लिख रहे हो मुझे दिखाई नहीं दे रहा आप लोग लिख रहे हो पारुल आपका हो गया दिखाना मुझे आंसर जरा हाँ तो वर्कशीट सिर्फ नोट होना वर्कशीट के साथ आंसर भी नोट करना है आपको वाह बेटा ओके ग्रंथ
जल्दी कीजिए, 10 मिनट है। दिव्यांश अग्रवाल हो गया बेटा आपका, ओके। विद आंसर, विद आंसर, आंसर भी लिखे ना बेटा, साथ साथ आंसर भी नोट डाउन कीजिए। इफ यू नो द आंसर यू कैन राइट, ओके। प्रियांशी कुशवाहा, प्रियांशी इज दिस योर फेयर कॉपी? कुशवाहा जी इज दिस योर फेयर कॉपी? नो ना, आपने आपने अपने लिए काम दोबारा बढ़ाया, अब आपने इसको रफली नोट किया है, अब उसे आप फेयर नोट करोगे? अपने लिए ही काम बढ़ा रहे हो बेटा आप तो। जैसे बेटा फेयर कॉपी भी एक बार नोट कर लेते। प्रज्वल आर यू ओके ना? कल से बेटर फील कर रहे हैं आप? ओके, टू बाला भी क्वेश्चन करना है, अलग क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, समझ में नहीं आया। टू बाला क्वेश्चन कौन सा था बेटा? आई नो प्रियांशी, एक बार में वर्कशीट थोड़ा छोटा कर लेता हूं। बच्चों मैंने वर्कशीट थोड़ी छोटी कर दी है, आप स्क्रीन पे जूम करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये पूरी वर्कशीट है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। जिसका स्टार्टिंग में रह गया होगा वो चेक कर सकते हैं, इसमें आप लोग जूम करके देख लीजिएगा इसको। हरी अब बच्चों जल्दी कीजिए, ओके। दिव्यांश का कहना है फोर्थ क्वेश्चन, ओके दिव्यांश करेक्ट है आंसर। बच्चों जब आप पोर्टल पे जाते हैं तो पोर्टल पे आस्क अ क्वेश्चन नाम का एक टॉपिक, एक मतलब आइकन होता होगा, उस पर लिखा होगा राइट हैंड साइड, उसके नीचे लिखा हो वर्कशीट सबमिट। जब आपके पास उसका लिंक आ जाएगा, आप लोग क्या करेंगे, जो आपने वर्कशीट अभी की है फेयर कॉपी पे, इसकी फोटो क्लिक करेंगे और उस फोटो को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करेंगे। पीडीएफ फाइल आपने कंप्यूटर में पढ़ी होगी ना, पीडीएफ फाइल होती है, आप जो भी होमवर्क डाउनलोड करते हैं ना वो पीडीएफ फाइल में होती है, ओके। तो अपने उस फोटो को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करेंगे और पोर्टल पर अपलोड करेंगे, ठीक है। विद इन अ वीक में वो आपका मैसेज आपको पास लिंक आ जाएगा, तो जितनी भी वर्कशीट होगी हर सब्जेक्ट की आप लोग उस पोर्टल पे अपलोड कर पाएंगे। जितना भी अभी आपने वर्कशीट आंसर कर लिए हैं उसकी फोटो क्लिक करेंगे, उस फोटो को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करेंगे और पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, ओके। अगर वर्कशीट अपलोड करनी है, अगर उस पर अपलोड नहीं करनी है तो आज का क्वेश्चन करके जिस पर आप क्वेश्चन पूछते हैं उसके नीचे लिखा होता है सबमिट योर डॉक्यूमेंट, वो भी लिखा होता है, तो आप उसको भी कोशिश कर सकते हैं, ट्राई करके देखिए, अगर उस पर पहुंच जाती है तो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर वर्कशीट सबमिट करने का लिंक आपको विद इन अ वीक मिल जाएगा। यश कंजवानी डोंट लिक योर फिंगर, लिक योर पेंसिल, खाने खाया था आपने, पेंसिल खा रहे हैं आप? जी ओके ओके ओके, बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिए हैं।
ओके जी, किसी बच्चे ने लिखा इबिन बटर, इबिन बटर क्या होता है? मैं उस बच्चे का नाम नहीं बोलूंगा यहाँ पे, इबिन बटर क्या होता है ये? ओके सनी चौहान, आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट हैं, बिल्कुल सनी चौहान आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट हैं। श्रद्धा ओके श्रद्धा, फिल इन द ब्लैंक्स आपने 5 तो लिखे हैं, मतलब जो मुझे सेंड किया है वो पूरे करेक्ट हैं। जानवी, स्पेलिंग रॉन्ग है कई कई जगह पर आपके। ओके प्रियांशी, आपके 5th तक करेक्ट है। शनि कंजबानी, बाल बाद में सवार लेना। अच्छा तुम यश कंजबानी, मेरे मुझे शनि शनि के भाई हो ना? ओके श्रद्धा, आपके पूरा हो गया बेटा, पूरा क्वेश्चन पूरा नोट कर लिया आपने? ओके अंशिका, आपने नोट कर लिया पूरा बेटा? ओके ओके दिव्या ने भी आंसर दिया है, दिव्या ने सेकंड आंसर छोड़ दिया था। ओके ओके दिव्या, थर्ड आंसर की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? पढ़ना जरा अपने थर्ड आंसर की स्पेलिंग को। ओके क्या है वो? एबिन के बाद क्या लिखा है आपने? एबिन बैट टूला, मतलब क्रिकेट खेलें, एबिन बैट टू लाएगा, एबिन बैट टू ला, और बॉल मैं लाऊंगी, फिर क्रिकेट खेलेंगे। ओके मैसेज में लिखिए जो स्पेलिंग, कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी पे स्पेलिंग सही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एक बात और, अगर किसी के आंसर में कट पीट होगी, मतलब मैं समझूंगा उसने चीटिंग करी है। और मैं ये देखना चाहूंगा कितने बच्चे ऑनेस्ट पर्सन है जो ईमानदारी से आंसर देंगे। सर मैंने आज सुबह बुक की राइटिंग याद करे थे। ओके क्योंकि बेटा आप लोग मुझसे तो चीटिंग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बचपन से पढ़ाया, तो मुझे पता है किसके आंसर कितने करेक्ट होंगे। सर मैंने आज सुबह बुक के राइटर याद करे थे और अभी थोड़े याद नहीं आ रहे हैं। ओके बुक का राइटर याद सुबह किए थे ना आरोही आपने? अगर शाम को कर लेते हो तब तक याद रहते हैं। ओके दिव्यांश सर, मंडे भी क्लास और ऐसा? मंडे को बेटा क्लास होगी, असेसमेंट नहीं होगा। ओके असेसमेंट होगा तो आपको एक दिन पहले प्रायर नोटिस आ जाएगा, ठीक है? तो
और असेसमेंट से आप लोग घबराओ क्यों रहे हो? असेसमेंट होगा तो आप लोग टेस्ट, इतना तो मुझे आप लोगों को पे ट्रस्ट है कि आप लोग मेरे सब्जेक्ट का टेस्ट अच्छा दे देंगे। जिस हिसाब से आप लोग आंसर दे रहे हैं वर्कशीट के, सिविक्स के और हिस्ट्री का, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग का असेसमेंट बहुत अच्छा होगा। वाह, किसी ने ऐसा लिखा, इबन बातूना, इबन बातूना था, इबन बातूना, इबन बैट लेके आया, इबन बैतूला, इबन बटर था। आरोही स्पेलिंग रॉन्ग है। चलो, आप आज लग रहा है आप लोगों में एनर्जी है। ओके ओके, माधव सिंगल कहाँ है बेटा? आपके यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा कायम रहे हैं। सर, ये एबिन की स्पेलिंग गलत होती है। अच्छा सर, मंडे को ज्योग्राफी की वर्कशीट होगी। नो दिव्यांश, ज्योग्राफी की वर्कशीट, आप ज्योग्राफी का हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे, आगे की ओर हम मूव करेंगे ज्योग्राफी में। ओके, ज्योग्राफी के टीम चैप्टर स्टार्टिंग में करा दिए गए थे, अब ज्योग्राफी में आगे मूव करेंगे। मंडे को देखो मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को, लेट मी चेक। ओके, देख, आप लोगों की मेजोरिटी में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं कि आप लोग मंडे को क्या करेंगे, ज्योग्राफी पहले, ज्योग्राफी करना चाहेंगे, सिविक्स करना चाहेंगे या हिस्ट्री? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। ओके सर, हिस्ट्री। देखो ना मैं ज्योग्राफी हूँ ना ना ही मैं सिविक्स हूँ, जो आप मुझसे कह रहे हो सर आप ज्योग्राफी आप हिस्ट्री है ना? सर ज्योग्राफी, सर हिस्ट्री। प्रियांशी, किसको पिटाई लगा रहे हैं आप? सर ज्योग्राफी के तीन चैप्टर हो गए हैं, सिविक्स की हिस्ट्री कराइए। ओके ओके, एक बात बताऊं, आप कुछ भी लिखिए चैप्टर वही होगा जो मैं चाहूंगा। लेट मी चेक, देखो क्या कौन सा कराते हैं। हिस्ट्री में इमर्जिंग न्यू किंगडम, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो कोशिश कर, हम लोग ट्राई करेंगे सिविक्स के चैप्टर करने का। ओके, सिविक्स का चैप्टर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक सर जियो के बाद हिस्ट्री, सिविक्स का चैप्टर करेंगे, उसके बाद फिर एक चैप्टर हिस्ट्री करेंगे, फिर हम सिविक्स की ओर मूव करेंगे। सर प्लीज हिस्ट्री। अच्छा, आप लोगों को हिस्ट्री पसंद है? सर क्लास खत्म हो जाएगी, मैं अभी वर्कशीट सेंड कर दूं पोर्टल पर? हाँ अभी वर्कशीट सेंड कर सकते हो पोर्टल पर, अगर आपका वर्कशीट हो गया है तो वर्कशीट कर देना। ओके बच्चों, कल कोई क्लास नहीं है, कल कोई असेसमेंट भी नहीं है। सर मैं भी ट्राई करूंगा फोन पर। ओके ठीक है, छुट्टी का नाम सुनते ही आप लोगों के चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल आ जाती है, जितना खाना खाने के नाम पे नहीं आती होगी उतना छुट्टी के नाम पे आ जाती है ना? स्कूल में पढ़ाई करते हो तब भी छुट्टी चाहिए आपको, आप तो घर बैठे पढ़ाई करो फिर भी छुट्टी चाहिए आप लोगों को। ओके बच्चों, बाय।